जी अगर पुलवामा अटैक को दुर्घटना बताते हैं तो मैं सीधा सीधा कहता हूं कि इंदिरा गांधी जी की जो ये कहते हैं कि हत्या हुई है वो हत्या नहीं दुर्घटना है। राजीव गांधी जी की जो ये कहते हैं हत्या हुई है हत्या नहीं वो दुर्घटना है। दिग्विजय को शर्म आनी चाहिए। 42 जो खाली घरों के चिरागनी थे वो हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपनी जान को निछावर करने के लिए जो जानते भी नहीं 130 करोड़ देशवासियों के लिए निस्वार्थ रूप से बॉर्डर पे खड़े थे। धोखे से उनको एक अटैक के माध्यम से मारा गया। पाकिस्तान ने आतंकवाद जो प्रायोजित था पाकिस्तान द्वारा था। और मैं सीधा सीधा कहता हूँ दिग्विजय जैसे कुछ लोग ये पाकिस्तान के एजेंट। देखिए जो आजकल कांग्रेस बड़ा कह रही है कि जी चौकीदार ही चोर है, चौकीदार चुकन्ना है इसलिए चोर चोरी नहीं कर पा रहे, चोर शोर डाल रहे हैं। कांग्रेस उन सब चोरों की मौसी है। जितने बड़े घोटालेबाज भारत के ये सब जितने बड़े घोटालेबाज हैं ये सब कांग्रेस के अंदर से पैदा हुए। कांग्रेस ही इस देश की सबसे बड़ी समस्याओं की जड़ है, चाहे घोटालों की जड़ हो चाहे कश्मीर मुद्दे की जड़ हो। और आज राफाल, अगर राफाल हमारे पास आज होता तो जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को पुरानी जो टेक्नोलॉजी के मिग द्वारा उनके F-16 को जो मार गिराया, मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूं अभिनंदन और पूरी सेना की बहादुरी को। लेकिन कांग्रेस ने आज तक भारत की महानता को समझा नहीं, उसको छोटा करने का काम किया। पाकिस्तान जैसा देश जिसके यहाँ सुई भी पैदा नहीं होती, वो F-16 जो US कहता है कि मेरा सबसे ज़्यादा बढ़िया सबसे ज़्यादा एडवांस जो है वो उसका जहाज है लड़ाकू जहाज, वो पाकिस्तान के पास और हमारे पास नहीं है। ये राफाल केवल और केवल कांग्रेस का बिना मतलब प्रत्यक्ष के बोला हुआ एक झूठ है। और वो बिना मतलब से सिर्फ एक मुद्दे को उलझाने के लिए चुनाव आ रहे हैं और सेना के पराक्रम को भी चैलेंज करने का काम जो है।